इनसो प्रमुख दिग्विजय चौटाला ने कहा कि दुष्यंत को कम आंकने वाले जान ले कि दुष्यंत दुनिया के टॉप 100 लीडर्स में शामिल हैं। जब वो संसद में बोलते हैं तो सरकार उनकी बात ध्यान से सुनती है। दरअसल दिग्विजय झज्जर के गांव बादली और बेरी में अपने समर्थकों से मिलने आए थे। इस मौके पर युवा नेता ने प्रदेश सरकार पर जमकर प्रहार करते हुए कहा कि हरियाणा में बलात्कार प्रदेश करार दिया है और कहा कि हरियाणा में जहां 20 घंटे में एक बलात्कार की घटना होती है, वहीं 8 घंटे में एक मर्डर और 4 घंटे में लूटपाट की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि वो बात करने की बजाय काम करके दिखाए। को समर्पित हो, गरीब को समर्पित हो, किसान को, कमेरे को, मजदूर को, दलित को, पिछड़े को समर्पित हो, जो मेरी उम्र के नौजवान पीढ़ी के लोगों को समर्पित हो, शहर में छोटे दुकानदार को समर्पित हो, 36 बिरादरी और सर्वधर्म के हितों की रक्षा करें, जो एजुकेशन की बात करें, जो स्वास्थ्य की बात करें, जो बात करें हरियाणा प्रदेश के लोगों की सुरक्षा की, नौजवान पीढ़ी के लिए रोजगार के अवसर पैदा कैसे किए, बाहर की बड़ी बड़ी कंपनियों की इन्वेस्टमेंट हरियाणा में कैसे लाए जाए जिससे हरियाणा के आर्थिक हालात जो हैं और ज़्यादा अच्छे बन पाए, हरियाणा में जो दलित रहते हैं उनका उत्थान कैसे, बैकवर्ड भाइयों को न्याय कैसे मिले। मेरा कहने का मतलब यह है, चौधरी देवीलाल जी के जो अधूरे सपने रह गए और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के जेल चले जाने के बाद जो लोकदल दिशाहीन होकर नहीं कर पाई, हमें उसे सही दिशा में आगे बढ़ाना है, चाहे वो नई पार्टी के जरिए से क्यों ना हो। नियत और नीति जब ठीक होगी तो हरियाणा को अच्छा विकल्प मिलने में होगा। जी, राजनीतिक हलकों में चर्चा है, दुष्यंत के लिए सभी पार्टियां अपना प्रस्ताव पेश कर रही हैं। बात करें आम आदमी पार्टी की, मीडियो में सुर्खियों में चर्चा है आम आदमी पार्टी दुष्यंत को समर्थन दे रही है, क्या समझते हैं? दुष्यंत जो है वो एक विजनरी सोच के पॉलिटिशियन है, चाहे उनका राजनीति में 7-8 साल का ही एक्सपीरियंस क्यों ना रहा हो, मगर आदमी जाना जाता है अपने काम से। और आज अगर उनकी चर्चा विदेशी मैगजीन में भी हो रही है और दुनिया के 100 टॉप लीडर्स में उनकी चर्चा हो रही है, इसीलिए हो रही है क्योंकि वो सिर्फ अपने लोकसभा क्षेत्र तक सीमित नहीं रही। हरियाणा की जो भी चिंता और परेशानियाँ थी उन्होंने उसे देश के सबसे बड़े राजनीतिक मंदिर पार्लियामेंट के अंदर बड़ी मजबूती से उठाया और देश की सरकार को भी कई बार सोचना पड़ता है कि जब दुष्यंत चौटाला बोलते हैं तो पार्लियामेंट में उनके जवाब देने पड़ते हैं। उनमें बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज चाहे ट्रैक्टर के रहे हों, बेरोजगारी को लेकर के रहे हों, चाहे टैक्सेशन को लेकर के रहे हों, सारे मुद्दे दुष्यंत जी ने गंभीरता से उठाए। तो इस देश का जो भविष्य है, 72% हरियाणा का वोटर यूथ है, उस यूथ में एक आस जगी है कि हम अपने भाई को मुख्यमंत्री अगर देखें तो फिर ये हरियाणा के लिए काम कर सकता है। ये जातिगत मुद्दे जो हैं, ये धार्मिक मुद्दे जो हैं, उनसे ऊपर उठकर हरियाणा की सोच सकता है।